सेम रोजा फिल्म वाला व्यू है यार। तुमको पता है हम किधर से आए हैं? आपका मुझे डाउट है, पर पक्का बेगम डायरेक्ट जन्नत से आई है। बेगम, ए पितू, हम दोनों भी इसी कमरे में सोए तो इन्हें बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। इतनी क्या प्रॉब्लम होगी, मुंह बोली बहन जैसी तो है, आपकी नहीं है क्या? ए, आ भी है तेरी खुशी मिले तो जो मिला। बेगम को कावा की आदत लग गई है, आगे चलकर मेरी भी आदत लग जाएगी। बेगम नहीं, ब्राह्मण देना। ये सखाराम जी की बेटी है। ननन सत्यम का बेटा है। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, आप इस शादी को मत रोकिए। इनके विवाह के पश्चात कलेश ही कलेश होंगे, घर में उपद्रव के अलावा कुछ नहीं होगा। जिंदगी साथ बिताने के लिए प्यार काफी होता है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे इन सबको। मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों बंद किया? मैंने मुंह पे बंद नहीं किया था, वो तो नॉर्मली बस बंद किया था। घर पर तो हमेशा इसका मुंह लटका हुआ रहता है, और कलीग्स के साथ देख कितनी खुश है। ये रखी है मैडम, कभी कभी उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ती है मैडम। आराध्या, मुझे लगता है बाबा ने जो कुंडली में दोष बताए थे उस वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। ये सब मैं नहीं मानता। शादी का मतलब ही सुसाइड है, तू मर गया यार, डेड मीट, RIP। दुनिया का बेस्ट हस्बैंड बन के नहीं दिखाया ना तो देख। सालों साल कुछ नहीं बदलेगा विप्लव। आराध्या अभी जाओ यहाँ से। तुम चाहते हो मैं हमेशा के लिए चली जाऊँ? नहीं, बस कुछ घंटों के लिए बख्श दो। तुमने कभी नहीं सोचा मैं क्या चाहती हूँ? बताऊँ तो इरिटेट हो जाते हो, तुमसे बात करने में भी मुझे डर लगता है विप्लव। आपको क्या लगा मैं कौन हूँ? मार्केट में तो मुझे ऐसे ही बदनाम कर रखा है, असल में मैं फेमिनिस्ट हूँ।